अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिकन परमेजान, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। और जब आपका दिल करे कुछ डिफरेंट खाने को तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, 2 लार्ज साइज़ की चिकन ब्रेस्ट को दरमियान से इवनली स्लाइस कर लेते हैं। स्लाइसिस करने के बाद अब चिकन की सीजनिंग कर लेंगे। ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ सॉल्ट, दोनों साइड्स पे लगा लेंगे। इसी तरीके से तमाम स्लाइसेस पर नमक और पेपर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब हम सॉस तैयार कर लेंगे। 1/2 कप ऑयल पैन में डालेंगे मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज, 1/2 टेबल स्पून चॉप की हुई लहसुन। इसको सौते करेंगे, ब्राउन वगैरह नहीं करना इसे। दो तीन मिनट ऑयल में फ्राई करने के बाद अब टोमेटो सॉस डालेंगे, पसाता भी इसे बोलते हैं। 690 ग्राम की ये बॉटल है, ये ऐड करेंगे। आप चॉप टोमेटो भी यूज कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे। 3/4 टीस्पून ओरिगानो है, ड्राइड ओरिगानो, वो ऐड करेंगे और इसे स्लो आंच पे कुक करेंगे 15 से 20 मिनट तक। तो जब तक हमारी सॉस रेडी हो रही है, हम दूसरी तरफ चिकन ब्रेस्ट की कोटिंग कर लेंगे। 1 कप हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, 2 एग्स हैं और 1 कप मैदा है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, और ये सीजन की हुई चिकन ब्रेस्ट, और ये परमेजान चीज़, इसके 2 स्पून हम ब्रेड क्रम्स में ऐड कर लेंगे। ये जो चीज़ है इसका बहुत बटरी टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन के साथ। इसको मिक्स कर लेंगे। मैदे में 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, एग्स को भी बीट कर लेंगे। अब चिकन के स्लाइसेस को सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे बीट किए हुए एग्स में, फिर ब्रेड क्रम्स और परमेजान चीज जो मिक्स की थी उसमें कोट करेंगे। इसी तरीके से सारे स्लाइसेस को कोट कर लेंगे। तो व्यूवर्स, हमने तमाम पीसेस की अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली है। तो व्यूवर्स, हमारी सॉस को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। हमारे पास फ्रेशली ग्रोइंग बेजल लीव्स हैं, वो ऐड करेंगे। इनकी एक ख़ास टेस्ट और जायका और खुशबू होती है जो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। यहाँ हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है, फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब चिकन के स्लाइसेस डालेंगे। 10 to 15 मिनट ईच साइड कुक करेंगे। 10 मिनट्स बाद अब फ्लिप करेंगे चिकन को और देखेंगे कि ये कुक हुआ है कि नहीं। बहुत ही प्यारा कलर आया है। दूसरे पीस को भी फ्लिप करेंगे और इसे भी 10 से 15 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो व्यूवर्स, हमारी चिकन ब्रेस्ट दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की जानिब। जो सॉस रेडी की थी उसको ओवन सेफ डिश में पोर करेंगे, इस तरीके से फैला लेंगे। अब ब्रेस्ट पीसेस को प्लेस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत चिकन और सॉस और मज़ेदार परमेजान चीज़। 1 कप मोज़रेला चीज़ ली है, इसको चिकन पे इस तरीके से ऐड करेंगे। परमेजान चीज़,
फ्रेश बेजल लीव्स, फ्रेश सिलेंट्रो, अब इसे अवन में रखेंगे 15 से 20 मिनट तक 180 डिग्रीज पर। तो व्यूवर्स 20 मिनट हो चुके हैं, अब डिश को अवन से निकालेंगे। तो देखें व्यूवर्स, हमारा परमेसान चिकन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही परफेक्टली कुक हुआ है, बहुत ही खूबसूरत डिश तैयार हुई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल।